आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आपने अभी तक फोर्स न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। जो भी समाचार हम आपको पब्लिश करते हैं, अगर आपको उनसे कुछ भी समर्थन है या एतराज है तो कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। राजस्थान के 8 जिलों जयपुर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, बूंदी, दौसा, भरतपुर और करौली के वैक्सीनेशन सेंटरों पर टीकों की बर्बादी देखी। राजस्थान जितनी वैक्सीन मांग रहा है उसकी चौथाई भी नहीं दे रहा। किल्लत तो होगी ही, सेंटर बंद करने पड़ रहे हैं। राजस्थान सरकार यह बात अमूमन हर रोज़ कह रही है। केंद्र रोज़ आंकड़े जारी कर यह बता रहा है कि किस राज्य को कितनी वायल दी, कितनी डोज राज्यों ने खराब कर दी। एक वायल में 10 डोज होती है। फोर्स न्यूज़ को 8 जिलों के 35 वैक्सीनेशन सेंटरों की डस्टबिन में मिली 500 वायल में करीब 2500 से ज़्यादा डोज मिले हैं। फोर्स न्यूज़ की टीम की पड़ताल में 500 से ज़्यादा वायल 20 से 75% तक भरे मिले। केंद्र सरकार के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में 16 जनवरी से 17 मई तक 11.50 लाख से ज़्यादा कोविड डोज बर्बाद कर दी गई हैं। वैक्सीन की बर्बादी पर राज्य और केंद्र सरकार के अपने अपने आंकड़े हैं। राजस्थान सरकार बता रही है कि प्रदेश में वैक्सीन वेस्टेज महज 2% है, जबकि अप्रैल में केंद्र ने 7% और 26 मई को 3% वैक्सीन खराब होना बताया है। फोर्स न्यूज़ की टीम जिन कोविड वैक्सीनेशन केंद्रों पर पहुंची, वहां वैक्सीन की बर्बादी का प्रतिशत 25% से ज़्यादा मिला। सभी वायल फोर्स न्यूज़ के पास हैं। स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव अखिल अरोड़ा का कहना है कि हम जांच करेंगे और ये सारी वायल विभाग को सौंप दी गई है।